नमस्कार देवी और सज्जनों, हेलो फ्रेंड्स। आज फाइनली मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। जब से मैं कौन बनेगा करोड़पति के मंच से वापस आया हूँ, जब से मेरा शो टेलीकास्ट हुआ है, आप लोगों के मन में कई सवाल थे शो को लेकर, मुझे, इस कंटेस्टेंट को लेकर, जो मेरी बचपन से स्टैमरिंग की समस्या रही है उसके बारे में कई सवाल मेरे पास आए थे। मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, उसे लेकर कई सवाल आप लोगों ने पूछे थे। तो मैं कोशिश करूँगा एक के बाद एक 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 करके इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद इस प्यार, इस स्नेह के लिए जो आप लोगों ने मुझ पर बरसाया है। जब से मैं वापस आया हूँ, सोशल मीडिया पे तो अलग ही लेवल का एक जुनून देखने को मिला है मुझे। चाहे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हो, फॉलोअर्स हो, काफ़ी तादाद में बढ़ गए थे। सबकी रिक्वेस्ट मैं चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैंने अपना एक अलग से पेज भी बनाया है, आई होप यू विल फॉलो मी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कौन बनेगा करोड़पति के लिए। मैं करीब 2011 से इस शो में आने के लिए प्रयास कर रहा था। जो KBC के लॉयल फैंस हैं वो जानते हैं कि ये उनके लिए एक शो से बढ़कर है। ये सिर्फ 6 महीने चलने वाला शो नहीं है, एक सपना है उनके लिए। मेरे मन में ये सपना पहली बार मैंने तब देखा था जब मोतिहारी बिहार के सुशील कुमार जी ने सीज़न 5 में 5 करोड़ की इनाम राशि जीती थी। एक आम आदमी ना सिर्फ एक बड़ा सपना देख सकता है बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है और उसमें कामयाब भी होता है। ये ज़रूरत मैंने सुशील कुमार को देखकर अपने में पाई थी। 2011 से लेकर जब बच्चे साहब कहते थे कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, 2019 में खड़े रहो अड़े रहो तक लेकर मुझे लगता था हर टैगलाइन मेरे लिए ही बनी है। जैसा कि हर KBC कंटेस्टेंट या दुनिया में हर कुछ मेहनत या जुनून रखने वाला इंसान को लगता है। मैं हर साल ट्राई करता था, वहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आया मुझे। इस साल फाइनली मुझे कॉल आया। मई का महीना था जब Sony TV पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। मेरी तरह करीब 3.5 करोड़ लोगों ने इस शो में जाने के लिए प्रयास किया था, ये बात मैं वहाँ जाकर पता लगी ऑडिशंस में। जब मैंने मैसेज भेजा KBC में जाने के लिए, तो मैसेज भेजने के करीब 1 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन आया था कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है, अब हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने मेरे बारे में पूछा और फ़ोन पे उसी समय 3 JK के सवाल पूछे मुझसे। तो मैंने उनका जवाब दिया। उसके बाद सबसे पहली बात, ये बात मैं आपको जो भी यहाँ बता रहा हूँ ये सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं आपको अलग से यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने उन तीनों सवालों के जवाब दिए, मुझे 1 हफ्ते बाद दोबारा कॉल आया पंजाब में ऑडिशंस के लिए। मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद मुझे वहाँ का एड्रेस बताया गया, मैं अपने भाई के साथ वहाँ पर ऑडिशन देने गया था। ऑब्वियसली ऑडिशन वेन्यू पर अंदर सिर्फ आप ही जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट ही जा सकता है, तो मेरे भाई को ऑब्वियसली वेट करना पड़ा था। जब मैं ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचा, मैं करीब 6 बजे के आसपास पहुंचा था, लेकिन उससे भी पहले कई लोग वहां पर मौजूद थे जो लाइन में खड़े हुए थे, अपने सपने को साकार होता हुआ वहाँ पर देखना चाहते थे। ऑडिशन रूम की एंट्री की टाइमिंग 9 बजे के आसपास थी, लेकिन हम लोगों को ही पहले ही एंट्री मिल चुकी थी, उन्होंने एंट्री करने का पास हमें दे दिया था। उसके बाद हमने वहाँ पर एंट्री किया, एक स्कूल में हमारा ऑडिशन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद हमें बुकलेट दी गई जिसमें अपने बारे में बताना था। वहीं पर हमें बताया गया कि 3.5 करोड़ लोगों ने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था, KBC के लिए अप्लाई किया था, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग को ही भारतवर्ष में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, फिर चाहे वो लखनऊ हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, भोपाल हो, पटना हो। मेरा पंजाब में ऑडिशन हुआ था तो वहाँ पर करीब 300 लोग आए थे, तो वहीं से काफ़ी प्राउड फीलिंग आ गई थी मुझे कि यहाँ तक पहुँचे हैं।
उसके बाद फिर से वहाँ पर जीके टेस्ट हुआ, आपका वीडियो राउंड होता है उसके बाद, जिसमें आपके बारे में जानते हैं, सोनी टीवी के जो सीनियर लोग होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा वो इंटरव्यू चला थोड़ी देर, उसके बाद हम वापस आ गए थे। उसके बाद हमें बताया गया था कि अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो 19 जुलाई से आपको कॉलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। करीब 19 जुलाई से हमें कॉलिंग आना स्टार्ट नहीं हुआ, कॉल हमें नहीं आया। करीब 19 अगस्त के आसपास ये शो टीवी पर आना स्टार्ट हो गया, ठीक कॉलिंग के 1 महीने बाद। तो हमें लगा हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद टीवी पर ये शो आ रहा था, लोग को मैं पहचान पा रहा था, जिन लोगों ने मेरे साथ ऑडिशन दिया था उस समय उनको मैं पहचान पा रहा था कि ये मेरे ऑडिशन के समय मेरे साथ थे, इनका जीके टेस्ट मेरे साथ हुआ था, वीडियो राउंड में हम एक ही रूम में थे, ऐसा मैं पहचान पा रहा था, मैं शक्लें पहचान गया था उनके। उसके बाद करीब 31 अगस्त को मुझे मुंबई से फ़ोन आया। मैं किसी उस टाइम में फ़ोन पे किसी कस्टमर से बात कर रहा था, बिजी था। मुझे जब मेरा फ़ोन बिजी था उस समय, मुझे पीछे से ही एक फ़ोन आया, तो जब मैंने चेक किया तो +9 11 22 नंबर से वो नंबर स्टार्ट हो रहा था। मेरे अंदर फीलिंग आई मुंबई का नंबर है। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मुंबई से फ़ोन आया था वो KBC के लिए आया था, अब सेकेंड टाइम जब फ़ोन आया था अब वो ये वाला फ़ोन था। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा ये फ़ोन वहीं से आया है। जैसे हमने वो फ़ोन काट के ये फ़ोन फटाफट उठाया, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन मांगा और उन्होंने हमें बताया कि KBC के फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो जो पहला शब्द हमारे मुँह से निकला था वो था हे भगवान। उन्होंने हमें बताया कि थोड़े दिनों में आपको ब्रीफिंग दे दी जाएगी, आपको KBC की टीम फ़ोन करेगी, आपके शहर में शूटिंग के लिए कुछ लोग आएंगे, तो एंजॉय करिएगा, तैयारी करिए उस चीज़ की। तो उसके लिए खुश तो थे ही हम लोग शुरुआत से ही। घर आके मैंने बताया तो मम्मी भी बोल पड़ी कि सालों की मेहनत तो सफल हुई लेकिन मेरा पूजा पाठ भी सफल हो गया। वो सही भी था, फैमिली के आशीर्वाद, फैमिली के सपोर्ट से ही शायद हमारे इस बार सिलेक्शन हुआ था, वरना मेहनत तो हमारे साथ करते ही थे। किसी भी चीज़ का एक समय होता है, तो शायद वो समय अब आ चुका था। हमने जो अपने सालों से तैयारी कर रहे थे, 2011 में जब हम सुशील कुमार को टीवी पर देखे थे तो तब से ही हमने पढ़ाई करना चालू कर दिया था अलग ही लेवल पर। उससे पहले हम फिक्शन वगैरह तो पढ़ते ही थे, लेकिन जीके की तैयारी भी हमने अपने हिसाब से चालू कर दी थी। कि जब लोग कहते थे कि अंधेरे में तीर मार रहे हो, तो मुझे समझ में आ गया था कि अंधेरे में तीर कभी ना कभी निशाने पर लगेगा ज़रूर, मेहनत एक ना एक दिन सफल होगी ज़रूर। तो 2019 में जब मुझे फ़ोन आया तो वही नोट्स जो हमने सालों से बना के रखे हुए थे उसी को हमने रिवाइज करना चालू किया। उस समय पर करंट अफेयर्स हम पढ़ ही रहे थे, हमें कुछ भी अलग लगता था, कुछ भी यूनिक लगता था, हम उसके नोट्स बना लेते थे। उसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो उसके बाद सारी फैमिली की तैयारी हुई, वहाँ से टिकट्स आए, हमारे शहर में वो लोग शूटिंग के लिए आए, मेरे घर पे शूटिंग हुई, मोहल्ले में शूटिंग हुई, चंडीगढ़ शहर में शूटिंग हुई, जिस इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वहाँ पे उन्होंने शूट किया। सब में ही एक उत्साह का माहौल था। उसके बाद जब वो शूटिंग करके यहाँ से गए, टिकट्स हमारे पास आ चुके थे, मैं पूरे परिवार के साथ मुंबई गया। ये मेरा और मम्मी का फर्स्ट टाइम था फ्लाइट में। पापा एक दो बार काम से जा चुके हैं फ्लाइट में, और भाई भी एक दो बार जा चुका है मुंबई और फ्लाइट में घूम चुका है वो। मेरा और माता जी का ये फर्स्ट टाइम था। तो मुझे अभी तक याद है जब हम दिल्ली से फ्लाइट अपनी ले रहे थे, चंडीगढ़ से दिल्ली हम टैक्सी में गए थे, जब हम वहाँ से फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करने वाली थी, तो टेक ऑफ करने से पहले 100 मीटर 500 मीटर फ्लाइट रनवे पर अपना स्थान लेती है, चलती है। तो जब वो फ्लाइट उस टाइम पे चल रही थी तो मेरी मम्मी मुझे हाथ में साथ में कोहनी मारे कहती है कि उड़ेगी भी फ्लाइट, कि ऐसे ही चलते चलते मुंबई पहुंचा देगी हमें। तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मुझे पता नहीं है। तो जब उसके बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ करी, दिल धक धक आपा किया, दुनिया नीचे आप आसमानों में बादलों के ऊपर, वो एक अजीब ही फीलिंग थी। ये सिर्फ और सिर्फ KBC की वजह से हो पाया था। हम मुंबई में करीब 7 साढ़े 7 बजे लैंड करने वाले थे, और अभी ये वो शहर था जहाँ पर सितारे आसमान में नहीं ज़मीन पर रहते हैं। पंजाब में तो आपको छत पर सोने की आदत होती है क्योंकि लाइट की थोड़ी बहुत किल्लत रहती है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे सितारे ज़मीन पर थे, बड़े बड़े बिल्डिंगें, शहर,
मुंबई बांद्रा सीलिंग सब कुछ आपको दिख रहा था, और ऑब्वियसली मुंबई की बारिश कब हो पड़े कहाँ हो पड़े कुछ पता नहीं। उसके बाद हमारे होटल तक हमें ले जाया गया, वहाँ पे सब कंटेस्टेंट पहले से ही आ चुके थे। हम फ्रेश होने गए, उसके बाद खाना हमारा सर्व हुआ, वहाँ हम सब कंटेस्टेंट से मिले। ब्रीफिंग में हमें बताया गया कि कल सुबह उठ जाइएगा, आपको टाइम से वहाँ पहुँचना है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था उसके लिए। हम पढ़ाई तो हमारी चालू थी ऑफ कोर्स। उसके बाद आपको सुबह लेके जाया गया वैन में, बच्चन साहब की आवाज़ में गणेश आरती चल रही थी उस समय पे। आप सेट पर पहुँचे फिल्म सिटी में, फिल्म सिटी के जो आप जाते हैं तो आप जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके सामने वो सेट होता है जिसको आप 20 सालों से बचपन से देख रहे होते हैं। मैं जब शायद करीब 9 साल का था जब कौन बनेगा करोड़पति पहली बार टेलीविजन पर आया था, 19 सालों बाद मुझे वहाँ जाने का सपना मिला, तो एक अपने में ही भाव विभोर होने वाला फीलिंग थी मेरे लिए। उसके बाद आप सेट पर गए, आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस हुई। जब मेरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रैक्टिस चल रही थी, ऑडियंस आ चुके थे वहाँ पर, मैं अपनी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी में बस मशरूफ था, तभी आपको एक धक धक की आवाज़ आती है। एक शख्स 77 साल की उम्र में, 77 ईयर्स की एज में भागते हुए आपके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, और वो कोई नहीं, वो सदी के महानायक होते हैं। जब वो मेरे सामने पहली बार आए तो मैं लिटरली आई वॉज इन टीयर्स, मैं आंसुओं में था। जिस शख्स को मैं बचपन से टीवी पर, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर देखता आ रहा था, अब वो मेरे सामने खड़े हुए थे। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। मैं अपने माँ बाप का चेहरा देख रहा था, वो भी टकटकी लगाए बच्चन साहब को देख रहे थे। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि मैं कम से कम यहाँ तक तो पहुँच पाया। उसके बाद मेरे और बच्चन साहब के बीच में बस एक ही फासला रह गया था। मैंने फर्स्ट राउंड ट्राई किया, नहीं हुआ, मैं 0.09 से शायद रह गया था। उसके बाद सेकंड में हुआ, मैं शायद 1 सेकंड से रह गया था। थर्ड राउंड में जब मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर हुआ तो इतना शोर होता है कि तालियों गड़गड़ाहट में आपको सुनाई नहीं देता। आप कभी यहाँ देखते हैं, कभी वहाँ देखते हैं, लेकिन जब बच्चन साहब आपकी तरफ देख रहे होते हैं, मेरे को बस अपने सरनेम सुनाई दिया था, और मैंने अपनी जब फैमिली की तरफ देखा तो ऑब्वियसली मेरा भाई डैब कर रहा था। इस स्टाइल को मैंने फेमस नहीं किया, मुझसे ज़्यादा बच्चन साहब ने फेमस किया है। हाँ, मेरे भाई ने तो काफ़ी बार इसको अपने डांस टाइप में किया हुआ है। मैंने भी टीवी पर एक बार विराट कोहली को, रोहित शर्मा को करते हुए देखा था, लेकिन बच्चन साहब ने जिस तरीके से ये किया, इस टाइप को अमर बना दिया। शायद भारतवर्ष में अब ये कोने कोने में, गांव गांव में इस टाइप फैल चुका है। इस तरीके से मैंने बच्चन साहब को सल्यूट किया, बच्चन साहब ने मुझे वापस सल्यूट किया, बच्चन साहब ने इस टाइप के बारे में पूछा मुझसे, और मुझे वो हॉट सीट पर लेके गए, और वहीं से उनका आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार चालू हुआ। हमारी बातचीत चालू हुई, हंसी मजाक चालू हुआ, उन्होंने मुझे कंफर्ट कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैंने अपना वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था उस टाइम पर, कि आज मैं पहली बार खुलकर अपने उस समस्या के बारे में बातचीत करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने पूरा बचपन छुपाते हुए निकाल दिया, स्टैमरिंग के बारे में। इवन तो अगर मैं कहीं पर इसके बारे में बात करता भी था तो शायद वो कॉलेज लाइफ के बाद बात करता था, शायद अपने इंटरव्यू में, अपने इंट्रोडक्शन से पहले, या कुछ लोगों को पता लग ही जाता था जब मैं रुक रुक के बात करता था। लेकिन पहली बार मैं इंट्रोडक्शन ही मेरा इस तरीके से हुआ था कि मुझे ये समस्या है। मैं जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, उसका मकसद ही यही है कि अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम की जड़ तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके बाद मेरा खेल शुरू हुआ, धीरे 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 हम खेल की तरफ बढ़े। एक शॉट पूरा हुआ, फिर दूसरा शॉट पूरा हुआ, बच्चन से साथ साथ हंसी मजाक हमारा चलता रहा। बीच में प्रेशर में आकर मैंने एक दो लाइन लाइफ लाइन वेस्ट भी कर ली अपनी, जिसके बारे में मुझे कहा गया कि आप, बड़ा आसान सा सवाल था, आप हाँ लाइफ लाइन बचा सकते हैं। तो मैं हर प्रतिभागी की तरफ से वही कहना चाहूँगा कि आपके सामने उस समय सदी के महानायक बैठे होते हैं, आपका प्रेशर अलग ही लेवल पर होता है, टिक टिकी जी अलग ही लेवल पर चल रही होती है उस समय पर, घड़ी मान जी सॉरी। तो ऑब्वियसली आसान सवाल थे, लाइफ में बचा सकता था। जिस लेवल पर मैंने ख़त्म किया, शायद लोग कहते हैं उससे एक लेवल और ऊपर आप जा सकते थे, ख़त्म कर सकते थे, लेकिन मैं जहाँ तक पहुँचा मैं संतुष्ट हूँ।
ऐसे भी प्रतिभागी थे जो आंखों में सपने लिए आए थे मध्य प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ तक, पर वो हॉट सीट तक पहुंच भी नहीं पाए। तो एक संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आपको अपने मन में रखनी चाहिए हमेशा। मेरा खेल ख़त्म हुआ, बच्चन साहब के साथ फोटोग्राफ हुई मेरी, मेरी फैमिली की, मेरे एसोसिएशन से कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे, इंडियन स्टैम्पिंग एसोसिएशन का, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पर आकर। उसके अलावा अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे कौन बने करोड़पति को लेकर, तो मुझे बता दीजिएगा, उसका मैं अलग से कमेंट में जवाब दे पाऊँगा आपको। लेकिन मेरे लिए एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं उस हॉट सीट तक आजीवन दोबारा कभी पहुँच नहीं पाऊँगा। मेरा पहले ये दुख होता था कि हमारा नंबर आ क्यों नहीं रहा है, अब ये दुख हो रहा है कि एक लाइफ का एक गोल पूरा हो चुका है, अब इसके बाद क्या, तैयारी चल रही है उसके लिए और काफ़ी सपने हैं, उन्हें पूरा करना चाहता हूँ मैं। जब से वापस आया हूँ इंटरव्यूज, इंटरेक्शंस, ऑफर्स अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ चुकी हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ उन्हें। और अब मैं बात करना चाहूँगा मेरी स्टैमरिंग की समस्या की, जो मुझे शुरुआत से ही रही है। मेरे जीवन का जो अभी तक कर रहा है उसके बारे में मैं काफ़ी हद तक सबसे बड़े मंच पर बता ही चुका हूँ, तो उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस समस्या से द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन की मदद से कैसे क्योर पाया। मैं करीब 2012 या 13 में इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हुआ था, और अनुपिंदर जी जो पटियाला से हैं उनकी वजह से मैं इस एसोसिएशन में एसोसिएट हुआ था। उस समय शायद हम चुनिंदा मेंबर थे जो चंडीगढ़ में कार्यरत थे, बीच में मेरा झुकाव इसकी तरफ थोड़ा कम भी हो गया था, लेकिन जब धीरे धीरे चंडीगढ़ के और लोग भी इस एसोसिएशन से जुड़े, तो मैं फिर से इस एसोसिएशन से जुड़ा, लगातार काम करता रहा। लोग दूर दूर से यहाँ मिलने पर आते थे। आज की तारीख में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, हमारी वर्कशॉप होती है देश के कोने कोने में, अभी भोपाल में होकर हटी है, अगले वर्ष फिर कहीं और होगी। कुछ सिंपल टेक्निक्स में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ जिसने मुझे फ़ायदा पहुँचाया है, सबसे पहले आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने परिजनों को, अपने सुपुत्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने कोई भी कलीग्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करने में मदद कीजिए इस चीज़ के लिए। डांटना, धुतकारना, ये किसी भी मौके पर हेल्प नहीं करने वाला उनके लिए। प्यार से हर इंसान को जीता जा सकता है और इस बड़ी से बड़ी समस्या पर काबू भी पाया जा सकता है। मैं अकेला नहीं हूँ जो इस समस्या से जूझता आ रहा हूँ, मेरे जैसे कई हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने अगर कोई है तो वो है ऋतिक रोशन। पूरी दुनिया उन्हें जानती है कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज वो कहाँ पहुँच गए हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाकर, उस क्षेत्र में काम करते हुए अपनी आवाज़ के लिए। उन्हें बोलने की समस्या रही है और उनका काम ही है बोलना। मैं अभी भी बीच में रुक के बात कर पा रहा हूँ, अगर मुझे आपको मेरी कोई बात समझ में ना आए तो इसका मैं क्षमा चाहूँगा। आज की डेट में जो मेरी जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मेरे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें एक है मेडिटेशन जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर स्लोली एंड लाउडली। स्लोली मतलब आराम आराम से पढ़ना, एक एक शब्द को समझ के समझा कर और ऊँची आवाज़ में पढ़ना। उसके अलावा मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, लोगों से बात करना छोड़ता नहीं हूँ। स्ट्रेंजर टॉक जिसे कहते हैं वो हम हर वीकेंड पे करते हैं, कभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर रोज़ गार्डन में जाते हैं, तो हमारा चलता रहता है। तो इसके अलावा और कुछ मैं बता पाया तो मैं धीरे धीरे अपने पेज पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करता रहूँगा। मुझ तक पहुँचना बहुत आसान है, कई लोग मुझे घर पर आकर मिल भी चुके हैं, जो दूर रहते हैं वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसका मैंने बात का अभी तक जवाब ना दिया हो। आप मुझे कोई भी किसी तरीके का सवाल मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड या कौन बने या करोड़पति से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैंने इतने सालों में जो अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। स्टैमरिंग की समस्या से जुड़े हर समाधान मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहिए मुझसे, हम बात करते रहेंगे, जारी रखेंगे। इस प्यार, इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चन साहब के साथ मेरा जो मिलन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है, इससे बड़ा मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। तो अपना प्यार बनाए रखिए, उम्मीद है, आशा करता हूँ ऐसी वीडियो मैं बनाऊँगा आगे चलकर, जीके पे, करंट अफेयर्स पे, जनरल नॉलेज पे,
अपनी स्टैमरिंग पे और कई तरह की वीडियोस जो आपको पसंद आएंगी। आपका सपोर्ट बना रहे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत ही लंबी जा चुकी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ख़त्म करना ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच।